हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। इससे पहले मैं सॉलिड स्टेट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाके वो वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Which of the following is unitless quantity? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी यूनिटलेस क्वांटिटी है। मोलैरिटी? जी नहीं, मोलैरिटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं है। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, जिसको हम कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। मोलैरिटी इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी, ध्यान रखिए इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। नॉर्मैलिटी? जी नहीं, ये भी गलत है। ये क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो इसको हम कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। और लास्ट आपके पास मोल फ्रैक्शन, यस मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, तो किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे ऑलरेडी यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डज नॉट वेरी विथ चेंज इन टेम्परेचर, इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर चेंज करके वेरी नहीं होती है। तो ध्यान रखिए द आंसर विल बी मोलैरिटी। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों होता है, तो मोलैरिटी क्या आपको पता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी कह सकते हो आप, बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब टेम्परेचर आप चेंज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और सेम थिंग इज देयर इन नॉर्मैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स पे भले ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा। तो नॉर्मैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स भी भले चेंज नहीं हो गए लेकिन डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो ये भी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और फॉर्मैलिटी भी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। और वॉल्यूम क्योंकि चेंज होता है तो ये तीनों क्वांटिटी चेंज होगी, जबकि मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो टेम्परेचर चेंज करने से नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं होने वाले, डिवाइडेड बाय मास, तो टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम तो जरूर चेंज हो जाएगा लेकिन मास चेंज नहीं होगा। इसका मतलब मोलैलिटी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं, ये आपको समझने की जरूरत है कि टेम्परेचर का इफेक्ट कौन सी चीज पे पड़ता है और कौन सी चीज पे नहीं पड़ता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.6 ग्राम यूरिया इन 200 ग्राम ऑफ वाटर इज 0.5 डिग्री सेल्सियस, द मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया आपको 0.6 ग्राम यूरिया इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, और यहाँ पे आपको मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू पूछी गई, यानी कि के बी की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, फॉर्मूला होता है आपके पास डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 के बी इंटू डब्ल्यू टू बाय एम वन या एम टू कह सकते हो आप, इंटू डब्ल्यू वन। तो आपको पता है ये फॉर्मूला होता है किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी बी आपको दिया हुआ है 0.5, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 0.5 इज इक्वल टू 1000 आपको यहाँ पे दिया हुआ है इंटू के बी, के बी ही आपको पता करना है, इंटू डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू क्या होता है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यहाँ पे, यूरिया है। तो इसका मास कितना है 0.6 ग्राम डिवाइडेड बाय एम टू, दैट इज मोलर मास ऑफ यूरिया, दैट इज एन एच टू सी ओ एन एच टू। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसका मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 14 प्लस 2 ये हो जाएगा 16, प्लस कार्बन का होता है 12, तो 16 प्लस 12 होता है 28, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये होता है 44, प्लस यहाँ पे नाइट्रोजन 14 हो जाएगा अगेन, तो 44 प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 58, प्लस हाइड्रोजन 2, तो ये टोटल हो जाएगा 60। तो M2 की वैल्यू हो जाएगी 60 इंटू W1, तो W1 की वैल्यू आपको दी हुई है 200 ग्राम। तो यहाँ से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आप चाहो तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो तीन जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के बी, के बी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.6। तो यहाँ पे काम कर सकते हो 0.6 से 0 कैंसिल कर सकते हो, इंटू 10 लिख सकते हो ऊपर, तो 6 से आप 6 कैंसिल कर दोगे एंड 0.5 इंटू 2 द आंसर इज 10। तो आंसर क्या हो जाएगा लिक्विड के लिए, 10। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के बी, के बी की वैल्यू आ जाएगी 10। अब यूनिट क्या होगी इसकी, तो यूनिट ध्यान रखना, यूनिट विल बी
क्योंकि यहाँ पे यूनिट, क्योंकि 10 तो दिया हुआ है, कई जगह पे 3 जगह पे 10 दिया हुआ है, लेकिन यूनिट क्या होती है केबी की, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि डेल्टा टीबी की जो वैल्यू होती है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ या केबी कह सकते हो आप, केबी इंटू मोलैलिटी। तो केबी की यूनिट ध्यान रखना, केबी की जो यूनिट होगी दैट इज केबी का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट हो जाएगी इसकी कैलविन, और मोलैलिटी की यूनिट आपको पता ही है मोल पर केजी, तो क्या हो जाएगी कैलविन केजी पर मोल। आंसर क्या आ जाएगा, कैलविन केजी पर मोल। सो व्हाट विल बी द आंसर, 10 कैलविन केजी पर मोल। तो आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा, आंसर इज 10 कैल्विन केजी पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इनमें से किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो आपको ऑलरेडी पता है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है, मोलैलिटी पे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0.1 मोलर यूरिया, दूसरा दिया हुआ है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेनिंग 1 ग्राम यूरिया इन 20 ml वाटर, तीसरा आपके पास 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml वाटर, और चौथा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन 20 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 20 ml ऑफ वाटर। तो आपको क्या पता करना है, इनकी मोलैलिटी पता करना है, यहाँ पे मोलर नहीं होगा, स्मॉल m होना चाहिए यहाँ पे। तो 0.1 इसकी मोलैलिटी दी हुई है। अब हम सबकी मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। तो यहाँ पे मोलैलिटी इसकी तो ऑलरेडी दी है 0.1, तो सबकी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 1 ग्राम यूरिया इन 20 ml ऑफ वाटर, तो इसकी मोलैलिटी क्या हो जाएगी, 1 ग्राम यूरिया आपको दिया हुआ है इन 20 ml ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, दैट इज मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कितना है इसका, 60, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 20 ml। तो 20 से डिवाइड कर देंगे हम इसको, और 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/60 इंटू 20 × 1000। तो इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, कैंसिल कर सकते हो, तो 0 0 2 0 कैंसिल हो गए, 10/12 यानी कि इट इज़ अबाउट 5/6, इसकी वैल्यू आ रही है 5/6। उसी तरीके से एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेनिंग 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml वाटर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या आपके पास, एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज का है, 10 ग्राम ग्लूकोज है 100 ml वाटर में। अब क्या करेंगे, इसके लिए भी मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, तो वही करेंगे हम, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, 10 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, आप कैलकुलेट कर लीजिए फॉर्मूले से, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर। तो लीटर में कितना आ जाएगा, 0.1, तो कितना हो जाएगा, 10/180 इंटू 0.1 यानी कि 10/18, तो ये हो जाएगा हमारा 5/9। तो ये थोड़ा सा कम हो रहा है, अभी तक हाईएस्ट ये है। और लास्ट आपके पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज कंटेनिंग 20 ग्राम सुक्रोज इन 200 ml ऑफ वाटर। तो यहाँ पे भी देखिए 20 ग्राम बोला है, तो मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास इसका होता है 342, ये चीज़ ध्यान रखिए, डिवाइडेड बाय 0.2। तो इसकी वैल्यू देखिए बहुत ही कम आ रही है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 5/6। तो इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ रही है, 0.1 है और ये 5/6 है, 5/6 काफ़ी ज़्यादा होता है 0.1 से, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे हाई होगा, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट नहीं करना है, आपको मोलैलिटी पता करनी है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.02 मोल पर लीटर सुक्रोज सॉल्यूशन इन एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया है, और कितना यहाँ पे देखिए पास्कल में पूछा गया है। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज C इंटू R इंटू T, करेक्ट। तो कंसंट्रेशन दिया हुआ है आपको 0.002 मोल पर लीटर, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, दैट इज 0.002 मोल पर लीटर। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर लीटर में दिया हुआ है, जबकि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्या होनी चाहिए, मीटर क्यूब होनी चाहिए, अगर हम SI यूनिट में इसको लिखना चाह रहे हैं। तो इसको चाहो तो आप इसको या तो SI यूनिट में कर लीजिए, मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब करने के लिए क्या होना चाहिए, इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तो या तो आप इसको डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और आर की वैल्यू आप पुट कीजिए, तो आर की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि पास्कल में लिखना है, तो दैट इज 8.314 × और टेम्परेचर, टेम्परेचर का आपको ध्यान जरूर रखना है, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 20+273, इसका ध्यान जरूर रखिए, ये मत भूलिएगा कि टेम्परेचर हम हमेशा कैल्विन में ही लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 293 कैल्विन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 1000 × 0.002 दैट इज 2 × 8 ×
293, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 4870 पास्कल, सो द आंसर विल बी 4870 पास्कल। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रियल सॉल्यूशन। तो देखिए बिल्कुल थियरी क्वेश्चन है, तो एक रियल सॉल्यूशन फॉलोज ओम्स लॉ, तो ऐसा तो हमने कभी पढ़ा नहीं है। दूसरा फॉलोज राउल्ट्स लॉ, तो ये भी गलत होगा क्योंकि रियल सॉल्यूशन नहीं, आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। फॉलोज हेनरी लॉ, ये भी गलत होगा। रियल सॉल्यूशन एक्चुअली डज नॉट फॉलो द राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है, केवल आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, रियल सॉल्यूशंस कभी भी राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ वाटर, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मोलैलिटी आपको पूछा जा रहा है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई, यानी कि मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, 180 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का ध्यान रखना, वॉल्यूम को हमेशा लीटर में लेना है, तो दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हम कई बार कर चुके हैं, तो आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके 1/2 लिख सकते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 180 इंटू ये हो जाएगा 2, 1/2 क्या, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा, तो 36, तो आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 18 से जा रहे हैं तो 2 और ये हो जाएगा 10, तो 2 इंटू इंटू 4, 4/10 कितना होता है, दैट इज 0.4, तो क्या हो जाएगा आंसर 0.4 m। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि 0.4 इसकी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2.5 लीटर ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन आर मिक्स्ड विद अनदर 3 लीटर ऑफ 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन। तो दो सॉल्यूशन है आपके पास NaOH के, देन द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, कि अगर दो सॉल्यूशंस को आप मिक्स करते हो, सेम सब्सटेंस के हैं, दो सॉल्यूशंस को आप मिक्स करते हो, तो ओवरऑल m इंटू वी जो होता है, m इंटू वी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो सेम रहने वाले हैं, टोटल हो जाएंगे, तो दैट इज m1 v1 इंटू प्लस m2 v2। बस यही चीज ध्यान रखनी है, M1 यानी कि फर्स्ट सॉल्यूशन के मोलैरिटी, V1 फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम, उसी तरीके से M2 सेकंड सॉल्यूशन की मोलैरिटी, V2 सेकंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम, M क्या हो जाएगा, M हो जाएगा टोटल मिक्सचर की मोलैरिटी, और V क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, तो यहाँ से M इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि मोलैरिटी ही पूछा जा रहा है, तो दैट इज M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय, किस चीज़ से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होता है, V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2। अब हमको क्या करना है, केवल वैल्यूज पुट करनी है। M1 फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी देखिए कितनी है, 1 इंटू V1 कितना लिखा हुआ है 2.5 लीटर, प्लस M2 सेकेंड सॉल्यूशन का देखिए मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.5, तो 0.5 लिख लेते हैं, इंटू कितना हो जा रहा है 3 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, V1 प्लस V2, यानी कि 2.5 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 3, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 2.5 प्लस 0.5 इंटू 3 दैट इज 1.5, तो 2.5 प्लस 1.5 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना हो जा रहा है 2.5 प्लस 3 दैट इज 5.5, तो आप इसको लिख सकते हो, इसको कैंसिल करके आप 40/55 लिख सकते हो, और इसको आप लिख सकते हो 8/11, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 11 से आप 8 को डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ रहा है 0.7 और 77, अप्रॉक्सीमेटली 0.72, यानी कि 0.73 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन सुगर इज आइसोटोनिक विद 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, द मॉलिक्युलर वेट ऑफ एक्स। तो 5% सॉल्यूशन जब भी परसेंटेज टर्म्स में आपको दिया होता है, तो आप परसेंटेज को ऑटोमेटिकली मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज समझ लिया कीजिए। तो 5% सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है, कि जो 5 ग्राम जो है केन सुगर का, वो 100 ml सॉल्यूशन में आपने डिजोल्व किया। 1% होने का मतलब क्या है, 1 ग्राम 100 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व किया, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। तो आपको पता है आइसोटोनिक होने का मतलब क्या है, इसको हम फर्स्ट सॉल्यूशन मान लेते हैं, तो दैट इज C1 इंटू R इंटू T इज इक्वल टू C2 इंटू R इंटू T, यानी कि पाई वन इक्वल टू पाई टू,
जो पाई वन होगा यानी कि फर्स्ट का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक कौन होते हैं? जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है। तो इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? यहाँ पे इक्वल है। तो यहाँ पे चाहो तो आप आर टी से कैंसिल कर सकते हो। तो सी वन यानी कि कंसंट्रेशन पहले का दूसरे के बराबर हो जाएगा। नाउ कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो दोनों का 100 ml लिया हमने, तो नंबर ऑफ मोल्स एन वन बाय वी इज इक्वल टू एन टू बाय वी। तो वी वी भी कैंसिल हो जाएगा यहां से। तो बचा क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड। नाउ नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता करेंगे? दैट इज मास बाय मोलर मास। तो 100 ml में कितना ग्राम होगा इसका? 5 ग्राम। इसके 100 ml में कितना ग्राम होगा? 1 ग्राम। तो मास कितना हो जाएगा इसका? दैट इज 5 डिवाइडेड बाय मोलर मास। ध्यान रखिए नंबर ऑफ मोल्स मास बाय मोलर मास, क्योंकि एन वन की वैल्यू यही होगी। और यह है केन सुगर। केन सुगर का मैंने आपको अभी बताया था, दैट इज 342। आप चाहो तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। 342 इज इक्वल टू एन टू। नाउ एन टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ एक्स। मास ऑफ एक्स कितना है? 1 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एक्स। तो वही तो आपको पता करना है कि मॉलिकुलर वेट कितना है इसका। तो इसको हम मॉलिकुलर वेट को क्या मान लेते हैं? मॉलिकुलर वेट को हम मान लेते हैं एम टू। तो हमको एम टू ही पता करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एम टू इज इक्वल टू 342 डिवाइडेड बाय 5। अब आप 342 को 5 से डिवाइड कर लीजिए तो आंसर विल बी 68.4। तो इसका मॉलिकुलर वेट क्या हो जाएगा एक्स का? 68.4। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास काफ़ी आसान है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एट हायर एल्टीट्यूड्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। तो हायर एल्टीट्यूड पे हम जब जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का डिक्रीज हो जाता है, ये शायद आपको पता होगा। एटमोस्फेरिक प्रेशर इज हाई। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाने पे हाई नहीं होता है, नीचे जाने पे ज़्यादा हाई होता है। द टेम्परेचर इज लो। तो टेम्परेचर तो लो इसी वजह से होता है। एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लो, तो ये करेक्ट आंसर होगा। द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लो एंड द टेम्परेचर इज हाई। तो टेम्परेचर हाई, तो ये भी गलत होगा। तो करेक्ट आंसर इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लो, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? लो हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। टेम्परेचर का नहीं, टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है इस बात से। हाँ, टेम्परेचर जरूर लो हो जाता है, लेकिन ये उसका रीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 500 ग्राम टूथपेस्ट सैंपल है 0.2 ग्राम फ्लोराइड कंसंट्रेशन। कितना है? 0.2 ग्राम फ्लोराइड कंसंट्रेशन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम लेवल? तो पीपीएम लेवल में आपको पता है कंसंट्रेशन यानी कि क्वांटिटी ऑफ फ्लोराइड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, टोटल क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस इंटू 10^6। तो कितना हो जाएगा? 0.2 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 10^6। तो बड़ा आसान सा इक्वेशन हो जाएगा आपका। तो 10^6 इसको आप क्या लिख सकते हो? टू इंटू ये हो जाएगा आपका 2, अगर आप कर लोगे, इंटू 10^5 हो जाएगा। और आप चाहो तो इसको 20 × 10^4 लिख सकते हो। 20 × 10^4 डिवाइडेड बाई 5 × 10^2। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या? 10^2, और ये हो जाएगा 4 × 10^2 यानी कि 400। तो आंसर विल बी 400। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी आपके पास काफ़ी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ वेसल कंटेन्स 0.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ऑन एडिंग 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 10 ग्राम ऑफ वाटर टू द सॉल्यूशन इट्स मेल्टिंग पॉइंट विल। तो देखिए काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक वेसल है, इसमें 0.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, करेक्ट। तो मोलैलिटी कितनी है? 0.2। अब देखिए अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी कम होती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मोलैलिटी बढ़ती है तो उससे क्या बढ़ेगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या हुआ? कि फ्रीजिंग पॉइंट और लो हो जाएगा। ध्यान रखिए, तो अगर मोलैलिटी आप बढ़ाते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा लो हो जाएगा, और मोलैलिटी कम करते हो, कम करने पे क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिए अगर मोलैलिटी कम होती है तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, और अगर मोलैलिटी बढ़ती है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास सॉल्यूशन था उसकी मोलैलिटी 2 थी। अब हमने क्या किया, 2 ग्राम ग्लूकोज और 10 ग्राम वाटर ऐड कर दिया इसमें। उससे क्या होगा, इसकी हम मोलैलिटी पता करते हैं। तो 2 ग्राम ग्लूकोज इन 10 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसकी मोलैलिटी पता कीजिए। तो आपको पता है कि अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स करने पे हम चेक करेंगे कि मोलैलिटी बढ़ेगी या कम होगी। तो आपको पता है कि एक सॉल्यूशन में जिसकी मोलैलिटी कम है उसमें अगर ज़्यादा मोलैलिटी वाला ऐड करोगे तो मोलैलिटी बढ़ जाएगी, और कम मोलैलिटी वाला ऐड करोगे तो मोलैलिटी कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी मोलैलिटी चेक करेंगे। तो 2 ग्राम ग्लूकोज इन 10 ग्राम वाटर, तो जरा चेक करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा मास, तो देखिए
मास कितना है इसका, 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ऐसे में नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे हमको, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 180 अपॉन 10 ग्राम ऑफ वाटर, तो 10 बाय 1000 हो जाएगा ये। तो आप चाहो तो इसको कैंसिल कर लीजिए, तो एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बिकम 2 × 100, यानी कि 200 डिवाइडेड बाय 180। तो इसकी मोलैलिटी जो है वो ज़्यादा हो रही है, ध्यान रखिए इसकी मोलैलिटी ज़्यादा है, दैट इज 20/18, 1 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा, मोलैलिटी, क्योंकि आप मोलैलिटी बढ़ा रहे हो इस सॉल्यूशन की, तो मोलैलिटी बढ़ाने पे क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी डिक्रीजेस, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा सॉल्यूशन का वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन बेंजीन इज 0.2, किसी भी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो है बेंजीन में वो 0.2 दिया हुआ है, तो इसकी मोलैलिटी आपको पता करनी है। तो ये कैसे करोगे आप, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस कई बार करके दिखाए हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एज्यूम करना है, तो मान लेते हैं लेट एस एज्यूम दैट टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्या ले लेते हैं, टोटल मोल्स ले लेते हैं हम 1, करेक्ट। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो सॉल्यूट को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, 0.2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, बेंजीन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हो जाएंगे, दैट इज 0.8। अब देखिए मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि हमको पता है वो कितना है, दैट इज 0.2, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ध्यान रखिए, तो वो हमको पता है, डिवाइडेड बाय होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान रखिए सॉल्वेंट का मास होता है, तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2 है, मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किस में होता है, केजी में। लेकिन अब मास कैसे पता करेंगे, मास पता करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स से, क्योंकि बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.8, बेंजीन ही तो यहाँ पे सॉल्वेंट है, बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता है C6H6, तो इसका यहाँ पे 12 + 1 = 13, 13 × 6 That is 78. तो मोलर मास कितना होता है इसका, 78. तो इसका मास जो हो जाएगा, दैट इज 78 × 0.8. तो आप कैलकुलेट कर लीजिए मास ऑफ बेंजीन, तो मास ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, दैट इज मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स, तो 0.8 इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं और मोलर मास इसका 78 है, तो 8 × 8 दैट इज 64 एंड 7 × 8 56 + 6 दैट इज 62, तो दैट इज 62.6, तो कितना हो जाएगा आंसर, 0.2 डिवाइडेड बाय 62.6। अब आप कहोगे तो गलत हो रहा है, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये किस में है, ग्राम में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको न्यूमरेटर को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर इज 100 डिवाइडेड बाय 62.6, या फिर आप कैलकुलेट कैंसिल कर सकते हो यहाँ से, तो 1000 डिवाइडेड बाय 626 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो 1000 यहाँ पे 2000 हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए आराम से, तो 626 से 2000 को डिवाइड करेंगे तो आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली 3.2 के आसपास आपका आंसर आ रहा है। तो आप आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन इज, तो आपको मैंने अभी बताया था यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होती है, यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन कुछ भी नहीं होती है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, तो आंसर इज नन ऑफ दिस, मोल भी नहीं होते, मोल पर लीटर या मोल पर लीटर पर सेकेंड कुछ भी इनमें से यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, SI यूनिट ऑफ हेनरीज कॉन्स्टेंट इज, तो आपको पता है कि SI यूनिट कैसे पता करते हैं हम लोग, SI यूनिट इस तरीके से पता करते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज मोल फ्रैक्शन इंटू के एच, मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं होती, यानी कि प्रेशर की जो यूनिट होगी वही हेनरीज कॉन्स्टेंट की भी यूनिट होगी, यानी कि पास्कल, सो करेक्ट आंसर इज पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ml ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कितना सुक्रोज ऐड करना चाहिए 500 ml वाटर में ताकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस है, एक्चुअल में कितना है इसका बॉइलिंग पॉइंट, 99.63 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कितना बढ़ाना पड़ेगा, 100 - 0.63, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी वी मिल गया हमको, 100 - 99.63, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 0.37 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब आपको पता करना है कि कितना मास ग्लूकोज का आपको ऐड करना होगा, और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे आप ले लीजिए,
केबी, केबी नहीं दिया हुआ है, केबी इज इक्वल टू ले लीजिए 0.52। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो डेल्टा टीबी यानी कि 0.37 इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 इंटू केबी, केबी आपको मैंने अभी बताया दैट इज 0.52 इंटू मास ऑफ द सॉल्यूट, तो वही आपको पता करना है दैट इज W2 से हम डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, सुक्रोज है, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 342 इंटू मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर का मास दिया हुआ है 500, तो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो, ये हो जाएगा 2, करेक्ट। तो यहाँ पे आप W कैलकुलेट कर लीजिए, तो W2 इज इक्वल टू 0.37 इंटू 342, करेक्ट, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ से 500 से तो हमने कैंसिल कर दिया, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 0.52। तो द करेक्ट आंसर यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से करेक्ट आंसर कैसे पता करेंगे हम, तो इसको डिवाइड कर लीजिए 342 इंटू 0.37 बाय 2 इंटू 0.52, तो यहाँ से जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 121.67 ग्राम। तो जो क्वांटिटी आपको ऐड करनी पड़ेगी दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 121.67 ग्राम। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड। तो अभी आपको बताया था मैंने, जब हम टू ऑस्मोटिक प्रेशर जो सॉल्यूशन है उनको सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड आइसोटोनिक, उनको हम कहते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। अभी एक न्यूमेरिकल भी किया था हमने इस पे बेस्ड। साथ ही हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक क्या होता है, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, और जिसका कम होता है दैट इज नोन एज हाइपोटोनिक्स। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 3 मोल ऑफ लिक्विड बी हैज वेपर प्रेशर ऑफ 270 mm। कितना वेपर प्रेशर बताया जा रहा है, 270 mm का वेपर प्रेशर बताया जा रहा है। सॉल्यूशन ऑफ 3 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल ऑफ बी हैज वेपर प्रेशर 280 mm। तो पूछा जा रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए क्या होगा, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ये जो क्वेश्चन बेस्ड है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है क्या होता है, दैट इज टोटल प्रेशर पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी, यानी कि पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, और टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है। तो पहला देखिए, दो केस ले लेते हैं हम लोग। पहला केस, पहले सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, इसमें 2 मोल्स ऑफ लिक्विड ए एंड 3 मोल्स ऑफ लिक्विड बी हैं, तो यानी कि टोटल 5 मोल्स हो गए। तो पी टोटल कितना दिया हुआ है, 270। तो यहाँ पे इक्वेशन हम बनाते हैं, 270 इज इक्वल टू एक्स ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कितने हैं 2 मोल्स हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे इसके, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी कि 2 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है यहाँ पे 5 हैं, इंटू पी नॉट ए जो कि हमको पता है नहीं, तो पी नॉट ए ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस एक्स बी, एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक्स बी दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो 3 मोल हैं इसके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये तो फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने यहाँ पे 5 इक्वल इंटू पी नॉट बी जिसकी वैल्यू हमको पता है नहीं, तो 5 यहाँ पे एलसीएम है, तो हम 5 को उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है 2 इंटू पी नॉट ए प्लस क्या बचता है हमारे पास 3 इंटू पी नॉट बी इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से होता है 270 इंटू 5, तो दैट इज इक्वल टू 1350। तो ये हो गई हमारे पास एक इक्वेशन। उसी तरीके से सेकेंड कंडीशन देखिए, सॉल्यूशन ऑफ 3 मोल ऑफ ए, एक दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास है जहां पे हमारे पास क्या है 3 मोल्स ऑफ ए हैं एंड 2 मोल्स ऑफ बी, यानी कि 3 मोल्स ऑफ ए यहां पे हम लिख सकते हैं 3 मोल्स ऑफ ए एंड 2 मोल्स ऑफ बी, अभी भी टोटल क्या हो रहा है बाई 5 ही करेंगे हम, तो टोटल प्रेशर कितना आ रहा है 280 आ रहा है, तो यहां पे लिखेंगे हम टोटल प्रेशर 280 इज इक्वल टू कितना बोला है 3 मोल्स ऑफ ए यानी कि 3 बाय 5 पी नॉट ए, जैसे पिछली इक्वेशन बनाई थी वैसी बनाएंगे, प्लस 2 मोल्स ऑफ बी यानी कि इसका जो एक्स बी की वैल्यू होगी दैट इज 2 बाय 5 क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा, तो पी नॉट बी ये आपका इक्वेशन बन जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम सही से बनाते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपके पास होगी, सेकंड इक्वेशन भी बनाते हैं, तो 5 को हम एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो
280 इंटू 5 दैट इज 1400, तो क्या बचा हमारे पास 3 इंटू पी नॉट ए प्लस 2 इंटू पी नॉट बी इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 1400। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और हमें क्या करना है, हमको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको एक्चुअल में पी नॉट ए की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए पी नॉट ए की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, दो इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में 3, क्योंकि पी नॉट बी को आपको हटाना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे 3 है और सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास क्या है 2 है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ पी नॉट ए प्लस ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ पी नॉट बी इज इक्वल टू 1350 इंटू 2। तो 1350 इंटू 2 डबल करेंगे हम इसका, तो दैट विल बी इक्वल टू 2700। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 3, और उसी तरीके से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ पी नॉट ए प्लस यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ पी नॉट बी इज इक्वल टू 14 इंटू 3 दैट इज 4200। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन, ये इक्वेशन 4 हो गई, और अब हम माइनस कर लेते हैं, तो 6P0B कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे अगर 4 माइनस 9, तो 4 माइनस 9 हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दैट इज -5P0A इज इक्वल टू, यहाँ पे करिए 4200 2700 माइनस 4200, तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 1500, वो भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो पी नॉट ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 300। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 300 mm। तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी इसमें मैथ सी, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आंसर क्या होगा आपका 300 mm। बच्चे जनरली जो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करते हैं वो मोल फ्रैक्शन की जगह डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं, तो आप डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स मत लिख लेना, यहाँ पे 2 और 3 नहीं, 2/5 और 3/5 लिखना है। उसी तरीके से यहाँ पे 3/5 और 2/5 लिखना है, 3 और 2 डायरेक्टली मत लिख लेना, ये मोल फ्रैक्शन होता है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं। तो बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज मोर देन द प्योर वाटर। तो ग्लूकोज का जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर वाटर से ज़्यादा होगा, तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर लो हो जाता है। P इक्वल टू होता है हमारे पास एक्स ए इंटू पी नॉट ए, ए यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट है, और एक्स ए क्या है उसका मोल फ्रैक्शन। तो अगर ग्लूकोज को ऐड करोगे तो मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा, प्योर वाटर का तो मोल फ्रैक्शन 1 होगा, तो एक्स ए की वैल्यू कम होती जाएगी, तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर कम होता जाता है, जिसको आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहते हो। तो ये आपको पता ही है, जैसे कि जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, तो वेपर प्रेशर जो है वो कम होता रहता है, बढ़ता नहीं है। दूसरा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज मोर देन दैट ऑफ प्योर वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, आपको पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपने पढ़ा है, वो डिपेंड करता है मोलैलिटी पे, मोलैलिटी कब बढ़ेगी, जब आप ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करोगे। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज मोर देन प्योर वाटर, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे अगर आप सॉल्यूट ऐड करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होइए, तो ऑब्वियसली चौथा तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, तो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू 200 ml ऑफ वाटर सच दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लोवेस्ट। तो इनमें से कौन सी चीज़ आपको ऐड करनी चाहिए। तो अगेन यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या करेंगे हम, इससे फ्रीजिंग पॉइंट को हमको लोवेस्ट करना है, तो इसमें से क्या ऐड किया जाए 200 ml ऑफ वाटर में, ताकि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोवेस्ट हो जाए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन भी है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि पता नहीं कर सकते। तो क्या ये सच है कि हम पता नहीं कर सकते? तो आपको मैंने अभी बताया था कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास तो सॉल्वेंट का फिक्स है, तो इसका मतलब डायरेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा।
तो आपको कुछ भी नहीं पता करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता करना है कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो इसका 2 ग्राम मास दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा, तो 2 मास इसका है, मोलर मास कितना है 60, तो 2 बाय 60 इसका नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय, मास दिया हुआ है 5 ग्राम, मोलर मास होता है इसका 180, तो इसका क्या हो जाएगा 5 बाय 180, और इसका कितना हो जाएगा 6 बाय, सुक्रोज का होता है 342। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये हो गया 1 बाय 30, ये हो जाएगा आपका 5 बाय 180, यानी कि 1 बाय 36, ये थोड़ा सा कम है, और ये आई थिंक ये और भी कम हो जाएगा, दैट इज 1 बाय, डिवाइड कर लीजिए तो 6 इंटू 5 दैट इज 30, एंड यहाँ पे आ रहा है 4 7, तो 57, ये और भी कम है। तो सबसे ज़्यादा कौन है इसमें से, 1 बाय 30, सो करेक्ट आंसर विल बी 2 ग्राम ऑफ यूरिया। तो 2 ग्राम ऑफ यूरिया में, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मास मत देखिए नंबर ऑफ मोल्स देखिए, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसका जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो उतना ज़्यादा होगा, इससे फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट्स में, फेसबुक या इंस्टाग्राम, कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।